छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण को लेकर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल भी दिखा है। बिल्कुल, और रायगढ़ स्थित उनके घर में भी उत्सव जैसा माहौल है। रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी भी उनसे मिलने का इंतजार कर रही हैं। और आईबीसी 24 से बातचीत के दौरान उन्होंने परिवार और राजनीतिक जीवन से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए आप। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय कल दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण करने वाले हैं। पूरे प्रदेश में उत्साह की लगर है, जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही है पूरे प्रदेश में। एक और जश्न का माहौल है, तो एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये है उनके गृह मंत्रालय की, यानी कि घर की, कि किस तरह से यहाँ पे मैम जो है यहाँ पे मौजूद है, और कौशल्या देवी जी है मैम उनकी धर्मपत्नी, और उनकी सारी सहेलियां ये देखिए कि ये यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये बताइए, पहला सवाल कि कब से आप साय जी से नहीं मिली है सीएम साहब से? मिली नहीं है, और सिर्फ आपने आरती उतारी थी। हाँ, वो 10 तारीख को बहुत, पहले तो छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को और समस्त हमारे शुभचिंतकों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई में आपने जिस तरीके से जो सवाल किया है, अब हमारे पास ये भी फोन आते हैं कि भाभी जी भैया से मिलना है, बोले हम भी लाइन में है। कंवर समाज में मैं 9 साल कंटिन्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काम करी हूँ। पारिवारिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने ये टॉपिक निकाला है। शादी के पहले कब आपसे पहली मुलाकात आपकी हुई थी? क्योंकि आपने जो बात बोली, अच्छा कच्चा उम्र था, और हमारी जो सगी दीदी आपके पीछे बैठी है, उनके देवर है वो, और दीदी जी की इच्छा थी कि हम बहन को इसी घर में शादी करके लाएं, तो आप विश्वास करें हमारी उम्र उसमें 19 वर्ष था। सरकार की ऐसी कौन सी योजना जो है, बीजेपी सरकार की या केंद्र सरकार की, जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इस योजना का क्रियान्वयन तो कम से कम होना चाहिए? खास तौर पर आपको ऐसा कुछ लगता है महिलाओं के लिए या फिर गरीब तबके के लिए, कुछ आपने कुछ सोचा है? हाँ, जिस तरीके से मुझे फरसा भार और पंडरी पानी का, उन तक पहुँचाने के लिए सड़कें नहीं हैं, और वो मजबूर है पोखर का पानी पीने के लिए, तो वो वाकई में कष्टप्रद लगा कि आज लोग कहाँ बिस्लेरी की पानी पी रहे हैं, ओरियल का पानी पी रहे हैं, और आज ये भी उस अशुद्ध पानी को पीने को मजबूर हैं। तो बिल्कुल है, जिसमें उसमें नल जल की व्यवस्था बताई गई है हमारे मोदी जी के घोषणा पत्र में, तो वो नल जल की व्यवस्था को हम ध्यान में रखेंगे। और बहुत लोगों का छप्पर टूट चुका है, जिसमें कि कई बार उनके रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी टाइप के बने हुए हैं, तो आज के डेट में मुझे लगता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, हमको उनको घर बना के देना है, उन तक पहुंचने के लिए सही साधन हो, सही चिकित्सा व्यवस्था बहुत सही हो, तो ये सब हम ले दे के साजी तक पहुंचाएंगे। और हमारी बहनें सब सक्रिय रूप से, इनको मैं बार बार कह रही हूं कि जो बोझा हम जनता के बीच से लेके आए हैं उसको सब कोई कर्मठ रूप से पूरा करना, थकना मत, ये 5 साल को हमको 10 साल में बदलना है, तो बिल्कुल थकना मत। तो इस सोच को आप समझिए कि जिस परिवार के मुखिया की धर्मपत्नी इतनी संवेदनशील है, वो इस बात को समझ रही हैं कि जिस तरह से आदिवासी तबके के लोग पोखर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, घरों के छत के लिए वो तरस रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ना कहीं कम है, वो चाहती हैं कि सीएम बनने के बाद इन तमाम जरूरतों को वो पूरा करें। इसके लिए वो लगातार प्रयास करेंगी, ध्यानाकर्षण करेंगी, लगातार उनके पास लोगों के फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। ये उत्साह पूरे 5 साल तक पूरे प्रदेश की जनता के रहेगा। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ अविनाश पाठक, आईबीसी 24 रायपुर।